भाई इधर विजुअल कर लेते सेंटर में हिट। हाँ सॉरी मैं कंटिन्यू। नाइस टैटू। हाय हाय नाइस टैटू। हाँ अरे ये मत बताओ। है ना बहुत अच्छी लग रही है यार, पर मुझे बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं हो रहा अभी। मैं अभी इतना मतलब बाहर निकलते ही मुझे इतना सारा कुछ करना है। मैं आप लोगों से वो मीटिंग के बीच में होल्ड पे रख कर आया हूँ। यस पहले ये सिंगल कर लेंगे फिर अपन जनता कर लेंगे। हाँ बस हाँ जी मैं आपको ये हाँ हाँ ठीक है। शालिन फर्स्टली गुड टू सी यू आफ्टर थैंक यू थैंक यू। किस तरह से जो पिछले कई घंटे हैं आपके किस तरह बीते 90 घंटे? बाप रे कैसे बीत रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस सेकंड से बाहर आया हूँ मैं फ़िलहाल आई थिंक काफ़ी घंटे हो चुके हैं। मैं सोया नहीं हूँ क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर भी मैं नहीं सो पाया था 2-3-4 रातों से, और अभी भी नहीं सो पाया हूँ। कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली आगे क्या करना है क्या हो रहा है, और इतना सारा प्यार मिला है मुझे इंडस्ट्री से। सब लोग वेट कर रहे थे मेरा, तो मैं इतना खुश हूँ। तो मैं बस अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहुँचा था चांद पे तो उसको दो पाँच मिनट लगे होंगे या उसको थोड़ा टाइम लगा होगा समझने में कि मैं मून पे पहुँच गया हूँ, ऐसे मैं धरती पे पहुँचा हूँ और मुझे अभी 2-5 मिनट लग रहे हैं अभी। तो शालिन कई बार आपने बिग बॉस के घर पे कहा था कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार कमाना है, यहाँ पे प्यार मैं बहुत कमाया, और बाकी आपने काफ़ी प्यार कमाया, लोगों का प्यार मिला है। काफ़ी लोग डिसअपॉइंट थे आप ट्रॉफी तक हकदार नहीं बने, बट टॉप 5 की जर्नी शालिन इज वेरी गुड। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द लव यू गॉट? मैं बता रहा हूँ अनबिलीवेबल है जो प्यार और जो मोहब्बत मुझे मिली है पूरे देश से, देश के बाहर से भी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे थे और कैसे जहाँ पे वोट नहीं भी आ रहा था मुझे पता चला कि वहाँ पे भी लोग किसी तरह से देखने की कोशिश कर रहे थे, क्लिप्स छोटे छोटे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे, और जितना मोहब्बत मुझे मिली है पूरे हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो चाहिए था, जो इनाम चाहिए था ना, उससे बहुत 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 सारा ज़्यादा इनाम मिल गया मुझे, और इतनी मोहब्बत इतना प्यार मिला है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। शालिन शिव ठाकरे और प्रियंका को काफ़ी क्लोज था, आपने दोनों का गेम देखा था। हाँ जी। काफ़ी लोग का कहना था कि वो विनिंग मटेरियल थे। हाँ। स्टैंड का थोड़े हद तक पीछे थे जो 49-51 कहते, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए वो दोनों को विनर नहीं देख के। आप एज अ व्यूअर जब आप घर के अंदर थे आपको कई हद तक लगा कि वो दोनों विनिंग मटेरियल थे ज़्यादा? यार मुझे लगता है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि जो विनिंग मटेरियल होता है ना वो हमारा एक परसेप्शन होता है ना। हर इंसान जो उस घर में था उसकी एक अपनी अंदर में ना दिमाग में एक अपना सोच चल रही होती है, और उसको उसके लिए जो विनिंग होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर भी वैसा ही लोगों को लगे। तो जो देश को लग रहा था हमें कुछ और लग रहा था, और हर एक किसी को कुछ और लग रहा होगा। तो ज़रूरी क्या है कि जिस सेकेंड हम बाहर आए हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि नहीं, जो देश सोच रहा था वो हम उसी के लिए, देश के लिए आए थे, हम अपने लिए नहीं आए थे, अपनी सोच के लिए नहीं आए थे। और रही बात जीतने की, तो मुझे लगता है कि एमसी स्टैन जितना वो बच्चा जितनी मेहनत करके आया है और जितनी शिद्दत से वो आया है इस देश में, इसका अंडरग्राउंड एक दुनिया से वो आकर इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, हक है यार, उसको इतना मोहब्बत उसको मिल रही है। और मैं जिसका फ़ैन हूँ ना बादशाह भाई का, वो उनके फ़ैन है उन्होंने बोला, तो मतलब मेरे फ़ैन का फ़ैन मेरा कॉम्पिटिशन है। तो मैं पहले सोच रहा था यार, मतलब यार अच्छा तो इट इज़, मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल कमाल है, एंड आई विश हिम ऑल दी वेरी बेस्ट, और सभी लोगों को है ना, सभी हम पांचों जो भी अंदर गए, शिव हो प्रियंका हो, दे आर ब्यूटीफुल पीपल, और बहुत अच्छे से खेले। सबका अपना अपना एक नज़रिया था इस शो को लेके, और उनका नज़रिया जिस तरह का था उन्होंने यहाँ तक पहुँचे वो बहुत बड़ी बात है। तो खुश हूँ मैं उनके लिए भी। शालिन रोहित शेट्टी सर की बड़ी मूवी आपको साइन हो रही है ऐसी खबर है, लोग काफ़ी बोल रहे हैं, इस पे क्या राय आप देना चाहोगे? मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली रोहित सर की फिल्म में मुझे अगर 1 मिनट का भी रोल मिलेगा ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि वो रोहित शेट्टी सर हैं। yes. बट ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, ऐसा कोई ऐसी मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो मतलब हाथ जोड़ के उनके उस
पास में पहुंचूंगा कि थैंक यू बोलूंगा। आपने परफॉर्म किया था, जीते भी थे जब सर आए थे, काफी इंप्रेस किया था सर को। क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो गया, खतरों के खिलाड़ी के लिए सिलेक्शन हो गया? मेरे को लगता है कि मैं जो जिस भूमि पे था, उस भूमि का कर्म मुझे बोलता था कि मैं उस दिन सबसे बेहतरीन काम करूं, है ना, ये सोचे बिना कि उसका इनाम क्या होगा। मैंने पूरा शो ऐसे ले किया, मैंने पूरा शो ऐसे किया कि आज का दिन जो है, आज का दिन मैं अपना 100% दूंगा, अपनी आत्मा से, सच्चे दिल से और शिद्दत से दूंगा। और मैंने उस दिन भी वही किया। रोहित सर आए, इतनी इज्जत अफजाई करी उन्होंने हमारी, इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे कि मैं इतना थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ उनको। और वो मैंने बहुत अच्छे से काम किया। रही बात किसी भी और चीज़ की कि आगे क्या होगा, वो मुझे नहीं पता, वो वक्त बताएगा। अभी तक मुझे ये भी पूरी नॉलेज नहीं है कि मेरे फैमिली में क्या क्या हुआ है, तो फैमिली के बाहर क्या क्या हुआ है मैं अभी समझना बाकी है मेरे लिए। जिस तरह आपने बोला दलजीत गॉड एंगेज, उसके बारे में आपको पता नहीं था, आप जस्ट जब घर के बाहर आए, मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि आपने बोला यू डिडंट नो एंड यू सेड दैट पर्सन टोल्ड यू, हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन दैट? यार आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस हर, आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। बट क्योंकि मैं अभी आई थिंक 48 घंटे हुए हैं मेरे को बाहर आए हुए, तो मुझे और समझना है और जानना है। बट आई विश हर ऑल द बेस्ट। लास्टली व्हाट यू आर मोर फोकसिंग ऑन, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर नाउ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दैट हाउस? नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं ना बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूँगा अपने परिवार को, मम्मी पापा के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं उनके साथ में बिता पाऊँ, 4.5 महीने में मैंने बहुत उनको, मतलब उनको भी रुला दिया मैंने। मुझे पता चला सब बहुत अपसेट थे, बहुत जब मैं लो था तो वो भी लो थे। तो आई वुड वांट टू फोकस ऑन वर्क ऑफ कोर्स, लेकिन जब वर्क नहीं कर रहा हूँ तो अपने परिवार को थोड़ा सा समय देना चाहूँगा मैं कुछ दिन तो एटलीस्ट। थैंक यू।